बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप लोगों का मेरे चैनल पर खुशामदीद। तो आप लोग कैसे हैं? तो अल्लाह पाक से मैं दुआ करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हों। अल्लाह पाक आप लोगों के पास कोई भी गम और परेशानी न लाए और आप लोग हमेशा खुश रहें, शादवाबाद रहें। यही दुआ है मुझे दिल से, मेरे दिल से अल्लाह पाक से यही दुआ है। आमीन सुमा आमीन। तो ये देखिए, मैं बाहर का व्यू ले रही थी, मौसम बहुत थोड़ा बादल छाए हुए थे। और ये व्लॉग है, कल का है। कल था फ्राइडे था, तो कल बहुत बादल थे छाए हुए और ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। और ठंड तो थोड़ी कम हो चुकी है, तो इसलिए मैं ले रही थी बाहर का व्यू। और ये देखिए मेरे घर का नज़ारा। चादर वादर चेंज करना था मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ का थोड़ा बहुत व्यू ले रही हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोग सब कैसे हैं, कैसा गुज़र रहा है आप लोगों का? और तो जी, मैंने सोचा कि आज मैं यहाँ से ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा बाहर का मौसम ले लूँ, उसका व्यू ले लूँ, थोड़ा नज़ारा दिखाऊँ आप लोगों को भी। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, नाश्ता पानी हम लोगों का हो चुका है और नाश्ता हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये नाश्ते का सारा बर्तन निकला हुआ था, तो मैंने सोचा इसे क्लीन कर लूँ सबको, जो थोड़े बहुत ऐसे तो बर्तन वगैरह मेरी मेड धोती है, लेकिन क्या है ना कि नाश्ते का जो बर्तन होता है वो मैं खुद ही धो लेती हूँ। थोड़े बहुत जो भी निकलते हैं वो सारे मैं धो लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने बर्तनों को वॉश। और क्या बताएं आप लोगों को, आप लोग मुझे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, यही कहना है आप लोगों से। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए भाई। क्या जाता है, एक कमेंट करिए, बताइए कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग। और मेरा ये जो व्लॉग है आप लोगों को पसंद भी आ रहा है या फिर नहीं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ, हमेशा कमेंट खोलकर देखती हूँ कि शायद किसी ने तो मुझे कमेंट किया होगा, भाई मेरी वीडियो इतनी तो बुरी नहीं। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, एक सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिए। और आज मैं लंच में बनाऊंगी वेज पुलाव और चिकन ग्रेवी बनाऊंगी मैं। तो मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाह रही हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ अपना लंच रूटीन शेयर करूँगी। मैं ज़्यादातर लंच रूटीन ही शेयर की हूँ अपने सारे व्लॉग में, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं मॉर्निंग का भी रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी, शेयर करना चाहूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे बर्तन हो गए हैं सारे क्लीन, और अब मैं इस तरफ आ रही हूँ। देखिए, मैंने सारे वेजिटेबल को कट करके रख चुकी हूँ। इस वेजिटेबल में है फूल गोभी है और गाजर है, थोड़े से बीन्स हैं और शिमला मिर्च है। और मटर मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते, खास करके मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल मटर आ जाता है पुलाव में या फिर चावल में, तो बिल्कुल उसे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने मटर को स्किप कर दिया, मैं नहीं दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने चॉपर का इस्तेमाल। तो मैं यहाँ पे अपने चॉपर का इस्तेमाल करके प्याज को बारीक बारीक चॉप करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से, ये बहुत ही अच्छा चॉपर है, मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेस किया था और ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इसी में मैं अक्सर प्याज को इसी में ग्रेट करती हूँ। शिमला मिर्च है, टोमेटो है या फिर जो कोई भी चीज़ ग्रेट करने वाली चीज़ हो तो इसमें आराम से आसानी हो जाती है। तो ये देखिए मेरे प्याज हो रहे हैं चॉप, और अब देखिए कितने अच्छे से हो रहे हैं और बहुत अच्छे महीन होते हैं, बारीक होते हैं। जैसा मुझे करना है, अगर मुझे मोटी करना है तो फिर मोटा ही करके छोड़ देती हूँ, अगर ज़्यादा बारीक करना है तो ज़्यादा बारीक भी हो जाता है। तो ये तो हो गई चॉपर की बात, और मैं अपने लंच बनाने की तरफ चलती हूँ। तो ये देखिए प्याज मेरे हो गए हैं बारीक, अच्छे से कट
हो चुके हैं। तो इस तरह से मैं सारे प्याज को निकाल लूँगी एक प्लेट में। और अब मैं अगली प्रोसेस की तरफ चलूँगी। तो भाई मुझे आप लोग पसंद कीजिए, मेरी वीडियो को पसंद कीजिए। मेरे दिल से दुआ है कि आप लोग मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाइए। YouTube की फैमिली मैं भी बन जाऊँ अच्छे से। तो यही मेरे दिल से दुआ है और आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने चिकन को वॉश कर लिया है अच्छे से। और इसे मैं, और एक बात मैं बता दूँ कि मैं सारा लंच आज मैं राइस कुकर में ही बनाऊँगी। तो ये देखिए, मैंने राइस कुकर में डाला है ऑयल, और ऑयल में मैं डालूँगी एक तेज़पत्ता, और फिर मैं चिकन को थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला और नमक से अच्छे से मिला लूँगी, तब मैं उसमें डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि तेज़पत्ता डालकर उसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल दूँगी और इसे करूँगी अच्छे से फ्राई। थोड़े अच्छे से ब्राउन टाइप के भून जाएं, तब मैं इसमें डालूँगी सारे चिकन को। तो भाई वेज पुलाव मैं बहुत कई तरह से बनाती हूँ, लेकिन ये मेरा पहला तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे राइस कुकर में बनाना था, तो इसलिए मैं एक साथ ही सारे वेज वगैरह को डालकर ही बनाऊंगी। तो ये देखिए, राइस कुकर में मैंने ऑयल डाला और उसमें मैंने तेल गर्म होने पर मैंने बारीक कटे हुए प्याज को डाल दिया जी, और इसमें हमने चिकन डाला। और चिकन को मैं अच्छे से प्याज के साथ पूरा फ्राई करूंगी ताकि प्याज जो है बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाए। और उसके बाद मैंने अदरक और लहसुन और प्याज की पेस्ट को थोड़ा डाल लेना है, और फिर सारे सूखे मसालों को डालकर अच्छे से भूनूंगी ताकि वो अच्छे से तेल छोड़ने लगे। तो ये देखिए चिकन। तो मेरा ये व्लॉग, तो ये मेरा व्लॉग है जो मैं इसे शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर, नमक और सूखे मसाले, सब जो ड्राइड मसाले हैं वो सब मैंने इसमें डाल देना है। और इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी का भी इस्तेमाल करूँगी ताकि इसमें एक अच्छी से फ्लेवर आ जाए। क्योंकि ग्रेवी जब बनती है चिकन की, तो इसमें थोड़ी सी हल्की सी हल्दी का इस्तेमाल करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, मैं चिकन को अच्छी तरह से भून रही हूँ। तो ये देखिए, अब इसमें ऑयल अच्छे से छोड़ देंगे, तब फिर मैं इसमें पानी ऐड करके इसे अच्छे से बॉईल होने तक पका लूँगी। क्योंकि ये चिकन तो ज़्यादा गलने से रहे, फौरन ही भूनते भूनते ही गल जाते हैं। तो ये देखिए, मेरे चिकन हो गए हैं रेडी। और अब मैं बढ़ती हूँ वेज पुलाव की तरफ। तो वेज पुलाव के लिए मैं उसी राइस कुकर में, मैंने पैन को अच्छे से धो लिया, साफ़ कर लिया और अच्छे से पोंछ करके इसे फिर मैंने लगा दिया। और इसमें फिर मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल, और इसमें डाला है मैंने खड़े गरम मसाले, जिसमें इलायची, लौंग और दालचीनी डाली हूँ, एक तेज़पत्ता डाली हूँ, और इसमें डालूँगी लच्छेदार बारीक कटे हुए प्याज। मैंने इस तरह से प्याज काटी है और इसे मैंने स्लाइस में काटी है, और इसको मैं करूँगी हल्का सा फ्राई, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसको हल्के से अच्छा सा फ्राई कर लेने के बाद मैंने सारे वेजिटेबल इसमें डाल देने हैं। तो ये देखिए, मेरे प्याज हो गए हैं हल्के से लाइट ब्राउन। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये जो मेरी वेजिटेबल है, सब इसमें वेजिटेबल्स को डाल देना है। इस तरह से डालकर मैं इसे दो तीन हाथ चलाऊंगी हल्का सा नमक देकर। तो नमक देते हुए मैंने नहीं दिखाया है, तो छूट गया था, तो इसमें नमक भी मैंने डाला है। और इसे मैं करूंगी थोड़ा सा फ्राई पानी सूखने तक। फिर इसमें क्या करना है कि चावल जो मैंने धोकर रखे हैं, बासमती चावल है ये, तो इसे मैंने धोकर छान लिया है और इसे मैं डाल दूँगी। और फिर से इसमें नमक दूँगी अच्छे से और खूब इसे चलाऊँगी, थोड़ा सा ये भून जाए, तब इसमें पानी ऐड करके इसे, देखिए पानी देकर मैंने इसे अच्छे से बॉईल करने कर बॉईल होने लगे तो मैं इसे ढक दूंगी। और अब ये तो ऑटोमेटिक है, तो ये पक जाएंगे। तो
तो ये देखिए जी मेरे वेज पुलाव हो गए हैं बिल्कुल रेडी, और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, खिले खिले चावल बने हैं और कोई भी वेजिटेबल, एक भी सब्ज़ी चूर नहीं हुई है, मैश नहीं हुई है, सारे वेजिटेबल्स खड़े खड़े से दिख रहे हैं। तो मेरा खाना हो गया रेडी और अब मैं लगा रही हूँ प्लेट। तो ये देखिए मैं निकाल रही हूँ चिकन ग्रेवी, देखिए मेरे इस तरह के बनकर रेडी हुए थे, और मैं चावलों को निकाल लूँगी और प्लेट लगा रही हूँ खाने के लिए। तो ये देखिए आज का मेरा लंच, तो ये था मेरा आज का लंच, वेज पुलाव और चिकन ग्रेवी मसाला। तो यहीं तक थी जी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो करिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।